हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसीसी डिफेंस एकेडमी की एक नई वीडियो के ऊपर, जिसमें लोग बात करेंगे ज्योग्राफी के एक्सपेक्टेड वन लाइनर क्वेश्चंस की, जो आपके एग्ज़ाम एसीसी 131 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स की हम लोगों ने फिनिश कर चुके हैं, आप उसको जाके यूट्यूब पर ज़रूर देखिएगा, 3 पार्ट्स में कवर हैं और इसके 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स के वीडियो आएंगे जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक, आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा। तो ये इसका पार्ट 2 है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और ये सीरीज़ अगर आप फॉलो कर लेंगे तो मान के चलिएगा ज्योग्राफी के आपकी सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक, लेट्स स्टार्ट। अगर आप एसीसी 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ के 9 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी इस सेवा का अवसर जरूर लें। और आपके एग्ज़ाम तो आपको पता ही होगा 20 जुलाई 2024 को है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट लाइज इन द ऑल 4 हेमिस्फेयर। व्हाट डू मीन बाय हेमिस्फेयर? देखो, जैसे अर्थ की फोटो आपके सामने लगी हुई है, तो जब हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो ये वाला होगा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये वाला जो होगा वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और ये वाला साउथर्न हेमिस्फेयर। ठीक, तो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों हेमिस्फेयर में लाई करता है, कौन सा ऐसा हेमिस्फेयर है? ऑब्वियस सी बात है, आप एक चीज़ देखो ना, एक अब इसमें ऐसे कर दूँ, एक हेमिस्फेयर ये हुआ, एक हेमिस्फेयर ये हुआ, एक हेमिस्फेयर ये हुआ और एक हेमिस्फेयर ये हुआ। ठीक, तो कौन सा है? अफ्रीका। अफ्रीका इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच बिलोंग टू ऑल 4 हेमिस्फेयर। ठीक, इन विच कॉन्टिनेंट इज़ द गोबी डिज़र्ट लोकेटेड? गोबी डिज़र्ट कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है। ठीक, और चाइना में जो पड़ता है वो कहाँ पड़ेगा? एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि गोबी डिज़र्ट कहाँ पड़ता है, तो चाइना में पड़ता है। विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विदाउट डिज़र्ट? कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई रेगिस्तान नहीं है? वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कोई डेजर्ट नहीं है। द टर्म एनवायरमेंट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? एनवायरमेंट जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? ये ओरिजिनेट हुआ फ्रेंच से। ठीक, व्हाट इज द करंट सीक्वेंस ऑफ गैसेस फाउंड इन द एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज इन द डिक्रीसिस ऑर्डर? वायुमंडल में जो हमारी गैसेस पाई जाती हैं उनके परसेंटेज के हिसाब से कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। ठीक, मतलब जो सबसे ज़्यादा है वो, फिर जो उससे कम, फिर उससे सबसे कम वाला सबसे अंतिम में रहेगा। तो सबको ये तो सबको पता होगा, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक, ये सबको पता है। इसका परसेंटेज वाइज आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑल द वेदर फेनोमिनल लाइक रेनफॉल, फॉग, हिल स्टॉर्म अकर इन द विच लेयर? मैंने आपको फ्री वीडियो सीरीज जब मैं पढ़ा रहा था एमसीक्यू की, तो मैंने आपको उसमें एटमॉस्फेरिक लेयर बताए थे, जिसमें डिफरेंट फेनोमिनन जो होती हैं डिफरेंट लेयर्स में होती हैं, चाहे ओजोन लेयर कहाँ पर पड़ती है, हमारे एरोप्लेन किस लेयर में उड़ते हैं, हमारे सेटेलाइट कहाँ जाते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बताया था। तो जो मौसम संबंधित घटनाएँ होती हैं, लाइक फॉग हो रहा है, बारिश हो रही है, स्टॉर्म आ रहे हैं, किस लेयर में होंगे? ट्रोपोस्फेयर में होंगे। ठीक, चलिए याद रखिएगा एक चीज़, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी एमसीक्यू कराए हैं और वन लाइनर सीरीज पढ़ के ज़रूर जाइएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे। और एटमॉस्फेरिक लेयर तो ज़रूर पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन फिक्स होता है ना। सोलर सिस्टम पढ़ के जाना ज्योग्राफी में, एक क्वेश्चन फिक्स है आना। ठीक, द एरिया वेदर द वार्म एंड कोल्ड करेंट मीट इन द बेस्ट फॉर विच एक्टिविटी? जो कोल्ड एंड हॉट करेंट, मतलब ओशन की जो लेयरें मिलती हैं जहाँ पे, वो किसके लिए सबसे सूटेबल होती हैं? मछली के लिए, फिशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए। ठीक, द मेन कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ टाइड्स इन द ओशन आर? जो हाई टाइड होती है, आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, बॉम्बे में अलर्ट जारी किया गया है कि मछुआरे किनारे न जाएं। जो समुद्री कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे जनरली ये चीज़ होती है, जहाँ पे हाई टाइड होते हैं। क्यों होते हैं? ये मून और सन की ग्रेविटी के कारण होते हैं, जो लहरें ऊपर उठती हैं और नीचे उठती हैं। ठीक है, नीचे गिरती हैं, ऊपर उठती हैं, हाई टाइड उसको बोला जाता है। नेक्स्ट, द वर्ड सुनामी इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज? सुनामी वर्ड कहाँ से आया है? जापान से आया है। ठीक है,
इक्वेटर को दो बार काटने वाली नदी का नाम शायद ही कोई भूला होगा, कॉन्गो नदी है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों जो रिवर हैं, कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को दो बार काटी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार काटती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार काटती है। दोनों अलग अलग नदियां हैं, मुझे इसका आंसर चाहिए। कमेंट सेक्शन बताइएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इक्वेटर वाला तो पूछा ही गया है, कॉन्गो नील नदी नहीं है, याद रखना, अमेजन नदी नहीं है, कॉन्गो नदी है। सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया, सात बहनों किसको बोला गया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को सेवन सिस्टर्स का टैग दिया गया है। तो आप लोग से पूछेगा, स्टेट का नाम नहीं पूछेगा, आपको स्टेट का नाम याद रखना है। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा इसमें, विच स्टेट इज़ नॉट बिलोंग टू द सेवन सिस्टर स्टेट, सात राज्यों सात बहनों वाले राज्यों में कौन सा राज्य नहीं है, एक गलत रहेगा उसको आपको चूज़ करना होगा, ठीक। जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सात स्टेट और सिक्किम, ठीक, ये टोटल स्टेट हैं, इनको याद रखिएगा। इनकी कैपिटल भी याद रखिएगा, क्योंकि अभी न्यूज़ में थे, अभी इलेक्शन हुए हैं हाल ही में, तो उनकी कैपिटल पूछ सकती है, उनके गवर्नर के नाम पूछ सकते हैं, ठीक। वेयर इज़ द सबरीमाला टेम्पल, सबरीमाला टेम्पल का नाम याद रहता है, केरला याद रहता है, जहाँ पर महिलाओं को प्रवेश रोक दिया गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि महिलाओं का प्रवेश क्यों रोका जा रहा है, तो बहुत सारे उसमें डिस्प्यूट चले थे, तो ये न्यूज़ में था। सबरीमाला टेम्पल कहाँ पड़ता है, केरला में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। आप देख रहे हैं मैंने क्वेश्चन को कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में ऐसे ही कनेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो यहीं सबसे क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे, तो आपको हर चीज़ों के लिए तैयार रहना है। नेक्स्ट, विच सिटीज़ ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाई द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से कौन से हमारे जो महानगर जुड़े हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे लिखा है। कोलकाता किस नदी किनारे स्थित है, हुगली नदी किनारे स्थित है। व्हाट आर नोन एज द प्रेरीज, प्रेरीज क्या है भैया, द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका नोन है प्रेरीज, जो ग्रास पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में उसको क्या बोलेंगे, प्रेरीज बोलते हैं। रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिपाउंड रिप्रोड्यूस्ड आर नोन एज, जिसको रीयूज़ कर सकते हैं, जिस एनर्जी को रीयूज़, जिस रिसोर्स को रीयूज़ कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब पुनर्जीवित कर सकते हैं उसको, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ द नीड टू यूज़ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंसर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड, अच्छे तरीके से सही तरीके से यूज़ करिए, उसका मिसयूज़ मत करिए, और अपने फ्यूचर के लिए भी उसको छोड़ दिए, जो फ्यूचर पीढ़ी आने वाली, उसको क्या बोलेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज ए बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, जिसके अंदर जान होती है, चाहे इंसान हो गया, जानवर हो गया, पशु पक्षी हो गया, क्या है ये बायोटिक रिसोर्स हैं। ए बायोटिक क्या है, जिनके अंदर जान नहीं है, लाइक पेट्रोलियम, लाइक कोयला, लाइक LPG, CNG, ये सब क्या है, एबायोटिक हैं। चेयर, फ्रिज, कूलर, पंखा, ये सब क्या है, एबायोटिक हैं। इन विच ईयर वॉज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पार्ल इन टू द पार्लियामेंट, 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है। विच कंट्री इन साउथ अमेरिका आर लैंड लॉक, कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका की जो लैंड लॉक है, चारों ओर जमीन से घिरी हुई है, उसका क्या नाम है, पराग्वे एंड बोलीविया, ठीक। ACC 131 का 3 वीक मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, अगर आप ACC 131 को अभी भी टारगेट करना चाह रहे हैं तो हमारे 3 वीक मॉड्यूल से जुड़े, जहां पे आपके सिलेक्शन परसेंटेज को 75% से 99% तक बढ़ाया जा सकता है, जो हम लोग द्वारा बताए गई चीज़ें होंगी आपको करनी होंगी, सिंगल एम फोकस रखना होगा, हमारे द्वारा बताया गया कंटेंट, क्वेश्चन सब कुछ लगाने होंगे, फिर आप देखेंगे कि आपका 15 दिन के अंदर भी सिलेक्शन हो सकता है। इस 3 वीक मॉड्यूल में आपको मिलेंगे 64 PDF नोट्स, जिसमें थ्योरी, MCQ, वन लाइनर्स होंगे, जहाँ पे आप वन लाइनर्स और MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय के लिए, तो आप उसको पढ़िएगा। 64 लेक्चर्स मिलेंगे, जहाँ पे आपने नीट टाइम के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास टाइम की शॉर्टेज ज़्यादा होती है। मैराथन क्लास है 9 to 11 PM पे, रात में डेली लाइव क्लास हो रही है, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके अपने सभी सवाल को पूछ सकते हैं, सभी डाउट को पूछ सकते हैं, सभी चीज़ें क्लियर और कंफर्म कर सकते हैं। मॉक टेस्ट वीकली हो रहे हैं और डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी हो रही हैं, टीचर से डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होने के पहले डाउट भी लिए जाते हैं। 8120745 व्हाट्सएप करके आप इस 3 वीक कैप्सूल से जुड़ सकते हैं।
ये गूगल मीट पर स्क्रीन शेयर करके हम लोग लाइव क्लास लेते हैं पीडीएफ नोट से, जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। ये एस एस सी डिफेंस अकेडमी का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसे कुछ इंटरफेस देखने को मिलेंगे, जो एज़ पर योर चॉइस एंड एज़ पर योर नीड आप अपने हिसाब से बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन विद द टेलीग्राम चैनल। अगर आपकी यूनिट में नेटवर्क का इशू बहुत होता है, आप लोग लाइव क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो इन बुकलेट को ऑर्डर करिए, जो लेटेस्ट लर्निंग पैटर्न के हिसाब से तैयार कराई गई हैं और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम के लिए फुली अपडेटेड कर दी गई हैं, जिसमें वन लाइनर MCQ भर भर के दिए गए हैं। ये कुछ ऐसे फॉर्म में आपके पास आएंगे और आप इसको यूनिट एड्रेस पे भी ऑर्डर करवा सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, सभी फ्री वीडियो सीरीज़ और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट एग्जाम रिलेटेड सब कुछ आपको यहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें, और इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बुकलेट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।